दोस्तों, मैं अरुण, सॉफ्टवेयर ट्रेनर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इलिप्स बनाना सिखाया था, ऑटोकैड पे इलिप्स कमांड के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों को ड्रा टूल बार के हैच कमांड पढ़ाने वाला हूँ। हैच बनाने के लिए, हैच क्रिएट करने के लिए उसकी कमांड होती है एच, एच इंटर। जैसा कि एच इंटर हम करते हैं, वैसे हैच का हमारा रिबन आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं। तो हैच बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्लोज एरिया होना चाहिए। हम एक क्लोज एरिया कुछ बना लेते हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हैच नहीं होगा। इसके लिए क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं, हैच कमांड लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक पॉइंट। सबसे पहले हम पिक पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं इंटरनल पॉइंट, अपने एरिया का इंटरनल पॉइंट क्लिक करना है, जहाँ पे हमको पैटर्न देना है। हमने मान लीजिए इसको क्लिक कर दिया, ये हमारा पैटर्न आ गया, बट ये पैटर्न बहुत बिग साइज में आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। तो अभी क्या करना है, अभी हम इसको कुछ छोटा करते हैं। यहाँ से हम इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। तभी जब आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हैच हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करके हम देखो कम, बहुत कम कर रहे हैं। जैसे ही कम कर रहे हैं, हमको हैच देखो पास पास सो रहा है, ये देखिए। अब दूसरे तरीके से इसको हम जो है इसके पैटर्न में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे जिस पैटर्न पे हम क्लिक करेंगे वो पैटर्न हमको शो होने लगेगा। अब इसको और पास करना है तो और पास कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्लिक करके जितना ही आप क्लिक करेंगे उतना ही कम होता जाएगा। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न हैं, यहाँ पे आप नीचे तक आ जाइए, जो पैटर्न लगाएंगे वही पैटर्न हमको शो होगा। बहुत सारे पैटर्न हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, और यहाँ से इसके डायमेंशन को कम और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सभी पैटर्न के डायमेंशन सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आप दूसरा कोई पैटर्न लगा रहे हैं तो उसकी डायमेंशन को घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लिक करेंगे वहीं पे यहाँ पे शो होगा। और यूजर डिफाइंड कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड में एक ही है यूजर, तो आप सॉलिड करेंगे तो आपको सॉलिड दिखेगा, इसमें सिर्फ एक ही कलर होगा, तो आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सॉलिड है तो एक ही कलर चेंज होगा, येलो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट लगाते हैं तो ग्रेडियंट में मल्टी कलर होता है, ग्रेडियंट में अभी आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके लिए स्पेसिफिक कमांड है। यहाँ से अगर आप पैटर्न लगाते हैं तो पैटर्न में हम दो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको हमने इसको रेड किया यहाँ से, और यहाँ से इस कलर को हमने चेंज किया, चलो ग्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, और एक हमारे जो लाइन का जो पैटर्न बन रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है। तो इसके इस तरह से हम जो है कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से यहाँ पे आ रहा हमारा एंगल। अभी देखिए ये पैटर्न है हमारा, तो इस पैटर्न का एंगल चेंज करना है, तो जितना एंगल इसका हम बढ़ा देंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक इसका एंगल चेंज हो जाएगा, ये एंगल इसका चेंज हो जाएगा। और यहाँ से है हैच ट्रांसपेरेंसी, अगर जितना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे उतना ही हमारा क्या होगा, डिम होता चला जाएगा। ओके, अब अगर हमको कमांड से बाहर जाना है तो यहाँ से हम क्लोज हैच क्रिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके बटन को हम प्रेस कर सकते हैं, दोनों से हम कमांड से बाहर चले जाएंगे। तो हैच आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है हमारा जो है ग्रेडियंट।
चलिए एक और बना लेते हैं। ग्रेडियंट के लिए यहां से हमने कमांड लिया ग्रेडियंट, और इसमें सेम वैसे ही है, पिक पॉइंट लिया और हमने इंटरनल पॉइंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आएंगे, सेम हैच की तरह है, यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। सेम हैच वाला ही पैटर्न आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडियंट वाला पार्ट है। यहाँ पे बीच में आएंगे, जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉलिड था, ग्रेडियंट था और पैटर्न था, तो पैटर्न यहाँ पे सेम आपका आ रहा है, देख लीजिए। और यहाँ पे जब आप ग्रेडियंट लगाएंगे तो वही सेम चीज है, हैच में भी था एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे अलग से है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से आपको ये मिल गया। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें मल्टी कलर होते हैं, दो कलर, आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे और भी हैच टाइप्स हैं वो लगा सकते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट टाइप है उसको आप लगा सकते हैं, तो सेम वैसे ही है जैसे हैश था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हम स्केप करते हैं। अगर इसको हमको डिलीट करना है तो नॉर्मल इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाउंड्री कमांड की, जो कि हमको यहाँ पे ड्रा टूल बार में यहाँ पे मिल जाती है। तो बाउंड्री कमांड लेते हैं, तो पूछ रहा है पिक पॉइंट। सबसे तो पहले जान लेते हैं बाउंड्री कमांड का काम क्या होता है। बाउंड्री कमांड का काम ये होता है कि जैसे कोई क्लोज एरिया है उसको क्या करता है, पॉली लाइन से बना देता है, पॉली लाइन में बना देता है या फिर रीजन कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, किसे बनाया, लाइन कमांड के थ्रू बना दिया एक रेक्टेंगल हमने, ऐसे बनाया। अभी देखो हम इसको, हमने जब लाइन और पॉली लाइन आप लोगों को पढ़ाया था, जिसका डिफरेंस दोनों में समझ में बताया था, लाइन और पॉली लाइन में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हमारा वो वीडियो जाके आप लोग देखिए, लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस क्या है और पॉली लाइन के फीचर्स क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिए। तो ये देखिए, अभी ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, ओके, अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि अभी ये लाइन से बना है। अब आइए इसको बाउंड्री करते हैं। हमने बाउंड्री कमांड लिया और क्या पूछ रहा है, पिक पॉइंट। अब यहाँ पे भी पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट टाइप किस किस टाइप में आपको बनाना है, रीजन में बनाना है, जैसे अभी हमने बताया था कि रीजन में कर सकता है और पॉलीलाइन में कर सकता है, तो रीजन में करना है या फिर पॉलीलाइन में करना है, तभी हम पॉलीलाइन ही करते हैं। क्या पूछ रहा है, पिक पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लिक किया पिक पॉइंट। अब हमने क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पिक इंटरनल पॉइंट, हमने इंटरनल पॉइंट पिक किया। अब क्या करेंगे, इंटर किया, इंटर बटन जैसे हमने प्रेस किया, अब देखिए इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे अभी पॉली लाइन में हो गया, क्योंकि अभी पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा है। पहले हमारा एक एक सेगमेंट सिलेक्ट होता था, बट ये पूरा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। अब आइए इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखते हैं। ये देखिए, हमने चारों तरफ से पॉली लाइन के ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रेच कर दिया। अब ये देखिए, ये हमारा पॉली लाइन का ऑब्जेक्ट है जो हमने बाउंड्री किया है, और लाइन वाला ऑब्जेक्ट हमारा ये पहले ये बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, ओके। अब आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।